दोस्तों आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही हेल्दी आयरन और प्रोटीन से भरपूर, ये है रागी की इडली। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम टाइम में बनके बिल्कुल रेडी हो जाता है। बच्चे अगर खाते नहीं हैं रागी तो आप इस प्रकार जरूर बना के दीजिएगा, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल पिंकीज कुकिंग एंड लाइफ स्टाइल। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैं कढ़ाई बैठा ली हूँ, पहले हम इसमें दे देंगे तेल। थोड़ा सा गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई और अच्छे से ये छटक जाने के बाद मैं यहाँ पर 1 इंच का अदरक ली हूँ, इसे कूट ली हूँ अच्छे से, और 1 हरी मिर्च ली हूँ। दोनों को अच्छे से, सारे चीज़ों को मैं यहाँ पर अच्छे से भून लूँगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बस हींग डालूँगी, हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हींग इसमें डाल दी हूँ। अब हम ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर भून लेंगे और फिर हम चलिए इसमें ऐड करते हैं भेजीज। मैं यहाँ पर भेजीज में बस गाजर ही ऐड की हूँ। आप चाहो तो और कोई भेजीज अगर ऐड करना चाहते हो तो बहुत ही बारीक से आप इसे काट के डालिएगा, नहीं तो बस गाजर ही डालिएगा। ये कद्दू को अच्छे से मैं यहाँ पर कद्दूकस कर ली थी और यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून ली हूँ। तो ये देखिए अच्छे से भून गया था थोड़ा सा गाजर। अब मैं यहाँ पर ले ली हूँ, यहाँ पर 1/2 कप मैं ली हूँ सूजी। सूजी को अच्छे से भून लेंगे इसी प्रकार। देखिए अच्छे से भून गया है, हमें इसे में कलर नहीं चेंज करना है सूजी का, बस अच्छे से इसे भून लेना है। तो 2 से 3 मिनट लगातार इस तरह भूनने के बाद मैं यहाँ पर देखिए डाल रही हूँ 1 कप रागी। रागी का पाउडर इस प्रकार डाल देने के बाद इसे भी अच्छे से 2 से 3 मिनट ही भून लेंगे। थोड़ा सा फ्लेवर हमें चाहिए, बस थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया सा अभी खुशबू आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये रागी भी बनके बिल्कुल रेडी है। अब चलिए चलते हैं, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैं रखती थी, ये ठंडा हो गया था थोड़ा सा। अब मैं एक बड़ा सा बाउल ली हूँ और इसमें ये जो हमने जो मिक्सचर बनाया उसे डाल देंगे। यहाँ पर अब हम बस गुनगुना पानी नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही बस हमें यहाँ पर पानी नहीं लेना है, नॉर्मल पानी, क्योंकि ये जो हमने बनाया था ये थोड़ा सा अभी ना गर्म है, तो इसी हिसाब से हमें थोड़ा सा बस ये देखिए नॉर्मल पानी लेना है। और अच्छे से इस प्रकार मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सूजी है, तो ये सूजी पानी झोंकेगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे थोड़ी देर हमें ढक के रख देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए सूजी अच्छे से फूल गया है और ये देखिए बैटर भी अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम और एक चीज़ ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर उड़द की दाल को भिगा ली थी, ये छिलका वाला उड़द की दाल है, और कुछ चावल ये इसमें ऐड करेंगे। इसमें से मैंने 1 बाउल लिया था बस ये और उड़द की दाल, और थोड़ा सा बस 1 मुट्ठी जितना चावल लिए थे, दोनों को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर ग्राइंडिंग करके ले आई हूँ। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरह ही मैंने रखा है, थोड़ा सा पानी डाल के बस इसे पीस ली हूँ। फाइन पेस्ट हमें बना लेना है और यहाँ पर ये सारे बैटर को हमें इसमें डाल देंगे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे इस तरह मिलाते जाएंगे। और यहाँ पर और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इसमें उड़द की दाल और चावल मिक्स करके डाला है, तो आप यहाँ पर इसे और थोड़ी देर इसे रेस्ट के लिए रखिएगा। मैं यहाँ पर रेस्ट के लिए नहीं रखी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैं बिल्कुल अच्छे से बैटर बन के बना के रेडी करती हूँ। मैं यहाँ पर एक देखिए एक स्टेप बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए एक ये देखिए इडली के स्टैंड ले ली हूँ एक, और ये नीचे वाला स्टैंड है छोटा सा, इसमें थोड़ा सा बस ऑयल दे देंगे। आप चाहो तो सरसों का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर सारे ग्रीस कर ली हूँ सारे मोल को यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक एक करके मोल भर लूँगी अच्छे से, और यहाँ पर बैटर बस अब जितना ही रखना है, ये देखिए जितना होल है बस उतना ही रखना है। तो एक एक करके यहाँ पर इसे भर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं मोल भर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए आपको दिखा रही हूँ, इडली के स्टैंड को पहले से मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए पानी रख दिया था। यहाँ पर मैंने 2 गिलास इतना पानी रखा था और पानी अच्छे से उबल गया है। फिर मैंने यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है ये पहले रख दिया है इसको। अब मैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि उड़द की दाल को मैंने ज़्यादातर इसे नहीं रखा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल रही हूँ, देखिए बेकिंग पाउडर यहाँ पर थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा सा पानी देती हूँ और
अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इस तरह कर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप उड़द की दाल डाल रहे हो तो उड़द की दाल आप इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए जरूर रखिएगा। तो आपको यहाँ पर बेकिंग पाउडर या फिर इनो डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर खाना सोडा, तो ये तीनों चीज़ें आप डाल सकते हो अगर आप इसे रेस्ट के लिए नहीं रख रहे हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया था, मैं फ़ौरन ही बना ली थी, तो इसीलिए यहाँ पर इसे मैंने इसमें डाला है ये बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए सारे मोल्ड मैंने भर दिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए इस प्रकार पका भर करके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गया है, मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर चाकू डाल के दिखा रही हूँ, ये चाकू में बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। तो ये बिल्कुल बन के बिल्कुल रेडी है हमारा, बहुत ही बढ़िया हेल्दी हमारा रागी की इडली बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलिए इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो इसे देखिए इस प्रकार मैं चिमटे से इस प्रकार निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और आप इसे ठंडा होने के लिए उसी में मत रखिएगा, क्योंकि उसमें रखने से आपका क्या होगा, ये इडली नरम नहीं बनेगा, थोड़ा सा सूखा सूखा टाइप का हो जाएगा। तो आप बाहर निकाल के 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लिए रखिएगा। 10 मिनट में रेस्ट होने के बाद यहाँ पर ये ठंडा हो गया था, तो मैं इसे देखिए निकाल ली हूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया से आसानी से निकल जा रहा है। और अब चलिए मैं आपको सारे निकाल के दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे इस प्रकार सर्व कर लिया है सांभर के साथ। आप चाहो तो इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, मूँगफली के चटनी के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। आप एक बार इस प्रकार जरूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर तोड़ के दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया सा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट नरम बना है। खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगता है। रागी अगर बच्चे खाते नहीं हैं तो आप इस प्रकार रागी की इडली डोसा बना के दे सकते हो, बच्चे बहुत ही बढ़िया से खा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, हेल्दी टेस्टी। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।